जय गुरुदेव, आप सभी का स्वागत है सिद्ध गुरुदेव सिद्ध योग फॉर जूनियर्स के 25वें एपिसोड में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और हमें इसे दिन में 2 बार, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग में 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना रहता है और 24 घंटे अराउंड द क्लॉक गुरुदेव के द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना रहता है, जो कि मेंटल चैंटिंग कहते हैं हम। तो ये सरल तरीका बच्चों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्ध योग का निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इम्प्रूव हो जाता है और बच्चे जो भी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। तो मैं किसी बच्चे से अनुरोध करूं कि वो आगे आके मेथड ऑफ मेडिटेशन बताए। आद्या बेटा, आप बताना चाहेंगी मेथड ऑफ मेडिटेशन? हाँ, चलिए बेटा बता दीजिए। सबसे पहले 2 मिनट तक गुरुदेव की तस्वीर देखनी होती है, और उसके बाद आंख बंद करके गुरुदेव की तस्वीर आज्ञा चक्र पे देखनी होती है और मंत्र का जप करना होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से सबको समझा दिया। तो अभी हमने गुरुदेव का स्पीच सुन लिया है, अभी हम गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनेंगे। फिर मैं 1 मिनट तक आपको आपके सामने गुरुदेव का फोटो स्क्रीन करूंगी, फिर हम 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। जय गुरुदेव। वो उसके साथ समझे, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई, 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग। तो अभी सबने संजीवनी मंत्र को सुन लिया है, मैं भी 1 मिनट के लिए गुरुदेव का फोटो स्क्रीन करती। चलिए अब हम सब 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव।
சார் பன்னெண்டு இதே மாதிரி அது தனியா இருக்கும் பாக்ஸ் பாத்தீங்க. जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। जय श्री कल की। जय श्री कल की। आंटी आज मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ और मैं इंद्र के साथ ही ज्वाइन हुआ क्योंकि मेरे मोबाइल में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो, इसलिए। ओके बेटा, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आपकी दीदी हूँ। जय गुरुदेव। रवीना आंटी नहीं है आज, वो नहीं अवेलेबल है तो आज। जय गुरुदेव।
मेरे बाबूजी जय जय श्री कल की अंकल, जय श्री अंकल, जय श्री कल की। मुझे आज आप लोगों के साथ इस मंच को साझा करने का मौका मिला है, आप लोगों की सेवा में मैं उपस्थित हूँ। तो अभी ध्यान का समय तो पूरा हो चुका है, सारे बच्चे ध्यान से बाहर भी आ चुके हैं मुझे उम्मीद है। तो कौन अपना पहले एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? आप बारी बारी से अपना कैमरा ऑन करके बताते जाइए, नहीं तो फिर नाम से बुलाना पड़ेगा। मही जी, ओके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव देवांशी बिटिया, जय गुरुदेव, जय श्री कल की। बताइए ध्यान के दौरान आपको क्या अनुभूति हुई? थे जा रहे थे वो अपनी समाधि की ओर जा रहे थे, वो जहाँ उनके समाधि पे जाने वाले थे। आराम से बोल कैमरे के सामने आराम से बैठिए, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। जाके उनकी समाधि थी, वहाँ पे हम जाने वाले थे और हम जाएंगे। गुरुदेव ने बोल मेरे को पहले वहाँ पे ले गए और गुरुदेव वहाँ पे कांटा बंद है जहाँ पे गंगा नदी का त्रिशूल भी है, तो गुरुदेव ने उसका ताला खोल दिया और मेरे को अंदर ले गए। बाप भाई बाप, आप लोग तो गुरुदेव के विशेष दूत हो, विशेष गुरुदेव ने आप लोगों को अपना विशेष दूत बना के रखा है। इस सप्ताह में आपको जो भी अनुभूति हुई बताइए। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, दीवान से मैं आप लोगों को लेता हूँ। कृष्णा की पंखुड़ी थी यू वाली और उसपे गुरुदेव बैठे थे, पंखुड़ी के ऊपर एक कमल था और उसपे गुरुदेव बैठे थे। बाप रे बाप, यहाँ पे मेरे को कृष्णा दिख रहे थे उनके हाथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपको। मैं आपकी बड़ी बहन का कोई कोई अनुभूति है माही जी का? अजीब अजीब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे को है ना आज एकदम गोल 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 कुछ अंदर ही अंदर ऐसा था और उसमें गुरुदेव के पैर थे। अरे बाप बाप, आप लोगों को तो ऐसी अनुभूतियां होती है कि हम लोगों को सुन करके वो जैसे लगता है ना बच्चों से इतना प्यार हो बढ़ गया है आप लोगों के साथ। आप लोगों की अनुभूतियां सुन सुन करके हमें खुशी होती है कि गुरुदेव हमारे कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कि बच्चों पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं जिसका मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते। और कुछ बताना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, जय गुरुदेव आपको। और कोई बच्चा आगे आना आगे आकर के अपनी अनुभूति शेयर करना चाहेंगे? इंद्र कुमार जी की आईडी से मतलब कितने लोग जुड़े हैं अंकल? पांच। तो आप पांचों लोगों को कोई अनुभूति वगैरह? अंकल नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। और कौन आएगा? अनिल जी गुरुभाई जी की आईडी से वो बच्चे सामने आए, हमारे कन्हैया जी को भी सामने हम देखना चाहेंगे। अनिल जी आईडी से, जय गुरुदेव गुरुभाई जी, जय गुरुदेव। एक बच्चे नीचे गए, वो आ रहे वापस। अच्छा अच्छा ठीक, आद्या बेटा आप कुछ बताना चाहोगे? आप बताना चाहोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज मुझे ध्यान में बीच में सेंटा क्लॉस भी दिखे थे।
बाप भाई बाप भाई बाप भाई बाप और कल जब शाम को ध्यान का प्रोग्राम हुआ था तो जब हम अनुभव सुन रहे थे तब मैंने पेपर से कुछ मैं बना रही थी लेकिन अपने आप ही घूम गया तो मैंने देखा तो ये गुरुजी का घोड़ा था पंख वाला घोड़ा है तो ये तो पंख वाला घोड़ा है उड़ेगा गुरुदेव उसे ऐसे ही घोड़े पे सवार है ना कि जो आसमान में उड़े गुरुदेव का घोड़ा तो ना आपने एकदम बहुत बखूबी बनाया है गजब 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 पंख भी कमाल है आपकी मतलब कलाकारी तो अद्भुत होती है उसका कोई जवाब नहीं बहुत अच्छा टैलेंट हम बाद में देखेंगे पहले अनुभूतियां सुन रहे हैं टैलेंट हम बाद में देखेंगे जय गुरुदेव बहुत अच्छे जय गुरुदेव बेटा और कोई बच्चा अपनी अनुभूति शेयर करना चाहेंगे देखेंगे बच्चों का अभी अनिल जी के बच्चे आए नहीं है शायद नीचे गए हैं तब तक आप लोग कोई टैलेंट अपना दिखाए जो आपने बनाया अंकल मैं प्रद्युम्न और विदिशा दिखाना था हाँ दिखाइए दिखाइए हम तीनों एक भजन गाएंगे अच्छी बात सुनाइए सुनाइए आप लोग हाँ सर सरियर कैसा काश सरियर को हाँ जी सुनाइए बच्चों आप हाँ जी जय श्री कल की हे कल्की हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए हे कल्कि हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए हे कल्कि हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए नाथ कृपा हम सब पर करना हम बालक है तेरे करो उजाला सबके मन में करके दूर अंधेरे ज्ञान की आंखें हमको दे दो मंजिल अपनी पाए ज्ञान की आंखें हमको दे दो मंजिल अपनी पाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए हे कल्कि हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए जग के पालनहार प्रभु हम आए शरण तिहेरी दुखियों के दुख हरने वाले सुन लो तेर हमारी
हे दाता वरदान हमें जग में शुभ कर्म कमाए, हे दाता वरदान हमें जग में शुभ कर्म कमाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, हे कल की हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए। सत्य कथन की शक्ति दे दो झूठ कभी ना बोले, हर प्राणी से न्याय करे और सदा बराबर बोले, सत्य कथन की शक्ति दे दो झूठ कभी ना बोले, हर प्राणी से न्याय करे और सदा बराबर बोले, जो हम औरों से चाहे वह खुद करके दिखलाए, जो हम औरों से चाहे वह खुद करके दिखाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, हे कल की हे जगत पिता हम सब तेरे गुण गाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए। जय श्री कल की। जय श्री कल की। आप लोगों के शब्दों में है, हे कल की हे जगत पिता हम तेरे सब गुण गाए, मन मंदिर में नाम की ज्योति। आपने वो लाइन कैसे गाई थी, फिर से पहली लाइन गाइए। मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योत जलाए, मन मंदिर में सदा तुम्हारे नाम की ज्योति जलाए। तो गुरुदेव का जो मंत्र है, दिव्य मंत्र है, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि इसको मन ही मन जपना है। जब उस मंत्र को आप जपेंगे मन ही मन, तो वो शक्ति जागृत होती है, ज्योति, जिसका नाम हमने दिया है मातृशक्ति कुंडलिनी। तो आपकी कविता, आपकी वंदना बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। बस ऐसे गुरुदेव की चरणों में समर्पित रहिए और गुरुदेव की सेवा करते रहिए। जय गुरुदेव। अनिल गुरुभाई जी, बच्चे आपके जुड़ चुके हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, बोलो जय कन्हैया लाल की, जय बोल, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पिछले हफ्ते तो बड़े आप चाक रहे थे बाबू, आज ठीक है ना? है, सब ठीक ठाक है ना? चलिए चलिए, कोई हाँ जी, बच्चे आप अपना अनुभव शेयर कीजिए आप लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के तो है ना कोई अनुभूति नहीं है, हम रात को हमने ध्यान कराया, मैडम आज से और तीन जने। आपने ध्यान करवाया था किसको? नहीं नहीं, ध्यान करा था इन्होंने, करा था। अच्छा अच्छा, आपने ध्यान करा, अच्छा आपने सामूहिक ज्ञान किया, बहुत अच्छा। जोर से बोले ना, आवाज आ रही है, कट कट जा रही है। रामलाल जी सर आए थे और मैडम आई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो है ना, गुर्दे में और बोल, गुर्दे में को याद और मेरे को बोले कि ना योग करो, योग करो। किसने बोला? गुरुदेव ने बोला ध्यान में।
हाँ यहाँ दिखे बहुत बड़ी बहुत बड़ी। आपका कोई टैलेंट वगैरह है तो आप दिखाइए गुरु भाई बच्चे। आपकी छोटी बहन का कुछ कोई अनुभूति है वो बताना चाहेंगे कुछ? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। रात को एक गुफा में गुरुदेव दिखे थे और ना वो कह रहे थे ना अच्छे बच्चे ध्यान करिए करो, और फिर मैंने भी उनके दोग लगा, फिर वो मुझे तेज अंदर लगा, फिर उन्होंने बोला करने ना जी बेटे उनके भी दोग लगो। जी बात, तो आपने ध्यान किया, गुरुदेव ने आपको बोला कि अच्छे बच्चे ध्यान करो। हाँ। गुरुदेव का यही संदेश था ना आपके लिए? हाँ हाँ, तो आप ध्यान करते रहिए, गुरुदेव का के आदेश का पालन कीजिए। बहुत अच्छा। आप लोग कुछ टैलेंट वगैरह दिखाना चाहेंगे? कोई कविता पोयम, कोई चित्रकारी, कोई आर्ट? जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जय गुरुदेव। बहुत गुरुदेव की कृपा आपके परिवार पे सब पे बनी रहे इसी प्रकार। नेटवर्क में दिक्कत है भाई साहब आज आपके। ये मनाया है। आप दिखाई, आपका कैमरा ऑन नहीं है ना, कैमरा किधर दिख रहा है? हाँ जी आप हमें नहीं दिख रहे हो। ये बेटा इनको स्पॉटलाइट करो। नहीं दिख रहे आप? हाँ जी अभी 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 दिख रहे हैं आप। ठीक है वेरी गुड। अरे तो बड़ा यूनिक आपने बनाया भाई, बहुत खूब बहुत खूब। वाह गुरुदेव की विशेष कृपा आप पर ऐसे ही बनी है, शाबाश बहुत खूब। मेरी तरफ से ताली आपको। बस आप लोग ऐसे ही गुरुदेव की सेवा करते रहिए, आप लोगों को भविष्य बहुत उज्जवल है बेटा, बहुत उज्जवल है। बहुत बढ़िया। आप छोटी बहन ने भी कुछ बनाया है? आपका माइक माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। नहीं सबको बहुत जय गुरुदेव। हाथ जोड़ करके सबको बहुत जय, बहुत बहुत जय गुरुदेव। वाह भाई वाह। कन्हैया लाल जी अगर हाथ जोड़ देते हैं, भगवान हाथ जोड़ते हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसे करो। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा अपनी अपना टैलेंट दिखाना चाहेगा? जय गुरुदेव भाई साहब। आपका माइक म्यूट पे है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वो ऐसे हो गया था। अच्छा आद्या बेटा ने हैंड रेज किया है, आप दिखाओ बेटा आप अपना, आपका तो ऐसे ही बहुत यूनिक रहता है। अरे बाप रे, हैप्पी क्रिसमस, बहुत बढ़िया, मैरी क्रिसमस। दिख नहीं रहा आपका? हाँ मैरी क्रिसमस। वाह भाई वाह, सेंटा क्लाज ने गठरी में तो कुछ ज्यादा ही माल लेकर आए हैं सेंटा क्लाज। बांट दीजिए सारे बच्चों में, उनकी गठरी खुलवा के बंटवा दीजिए। क्या क्या बनाया आपने, गजब भाई गजब। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर बहुत अच्छे।
ये है हमारे गुरुदेव के सानिध्य का मतलब। जब गुरुदेव हमारे गुरुदेव कृपा करते हैं, उनकी कृपा बरसती है, जब दया करते हैं बच्चों पे सब पे, तो ऐसे ही मतलब आपका टैलेंट बाहर निकलता है। आप दुनिया को दिखाइए, आपका एक दुनिया देखेगी ये टैलेंट। यूट्यूब पे जब ये शेयर होगा तो दुनिया देखेगी। जय गुरुदेव। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, अवरियल गुप्ता जी आइए सामने। हाँ, मेरे को एक दिन जब मैं ध्यान कर रहा था जी जी, मुझे पूरा प्रकाश दिखा और मेरे को बहुत तेज तेज एक्सरसाइज हुई थी। बहुत तेज तेज क्या हुआ? एक्सरसाइज। अरे बाप भाई, वो प्रकाश कैसा दिखा था बेटा? एकदम वाइट वाइट सा। अच्छा, वाइट था जैसे आसमान में होता है। बाप भाई बाप। बस आप कहाँ से जुड़े हैं बाबू? आप कहाँ से जुड़े हो आप? मैं मेरे टैब से, मतलब जयपुर। जयपुर से आप पहली बार आए हैं ना सेशन में? नहीं, इसके पहले भी आए थे। दीपेंद्र गुप्ता जी के बच्चे हैं। हैं? दीपेंद्र जी के बच्चे हैं, दीपेंद्र गुप्ता जी के। अच्छा अच्छा, सारी सारी क्षमा चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। आप लगे रहिए, गुरुदेव की कृपा विशेष बनी रहे आप पे। माई बेटा ने हैंड टच किया है, माई का देखते हैं। मेरा अस्थमा ठीक हो गया। हाँ, वो आपके पापा बताए कि आपको अस्थमा की शिकायत थी, वो ठीक हो गई है आपके पापा भाई। एक बार सुन लीजिए, एक बार बच्चे का अनुभव सुन लीजिए, उन्हें के मुंह से सुन लीजिए एक बार। सुन रहे हैं, बताइए बाबू, बताइए, सुन रहे हैं, बताइए अपने बारे में, बताइए। मेरे को हमेशा ऐसी एक्सरसाइज हुई और फिर एक दो महीने बाद अस्थमा ठीक हो गया। वाह भाई वाह। और मेरे को अपेंडिक्स और कुछ पेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। सारी ठीक, फिलहाल एकदम आप फिट हैं? हाँ, बहुत अच्छा। आप ध्यान करते रहिए नियमित, और गुरुदेव की कृपा आप पर ऐसे ही बरसेगी। आपका आने वाला जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। और भविष्य में आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं, गुरुदेव आपकी पर कृपा ऐसे ही बरसाते रहे। और कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं भाई। नहीं, ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। हाँ जी माही बिटिया, आप अपने पिटारे में क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। कैमरे को ऑन कीजिए, आप स्पॉटलाइट हैं। अच्छा, आपने भी मेरी क्रिसमस बनाया है। आपका सेंटा क्लज कहाँ पे है, कहाँ पे उनको बनाया आपने? आसमान में? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आसमान में है, वो एक ट्रेन है आसमान जैसी, उसमें यहाँ पे। हाँ, वही मुझे भी लगा कि आपका सेंटा क्लॉज आसमान में है। बहुत बढ़िया। ये ना स्काई जैसी ट्रेन है उसके नीचे। वो समझ में आ जाता है बेटा कि जो आप लोग बनाते हो ना, तो समझ में आ जाता है कि क्या आपकी मानसिकता है, वो चित्र में दिखाई दे जाती है। हाँ दिखाइए, ये इसमें यहाँ पे है सेंटा क्लॉज। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुपर सुपर सुपर। और एक ये है, यहाँ पे गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं, गुरु माता जी हैं क्या? हाँ। अरे बाप, देखिए आपने बनाया, मैंने बता दिया कि आपने क्या बनाया, ठीक है? तो हम तो समझ जाते हैं ना, आपके चित्र बोलता है, वो कलाकृति बोलती है कि क्या बना है। हाँ जी, आपका आपने क्या बनाया? आपने तो सेंटा को पेड़ बनाया, ट्री बनाया ना?
क्रिसमस ट्री. हाँ क्रिसमस वाला ट्री है. यस 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 मैंने बताया ना कि उस वेरी अरे बाप भाई जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरुदेव कृपा बस ऐसे ही बनी रहे आप लोगों पे. आप लोग आप जैसे बच्चों को मैं देखता हूँ ना तो मुझे ये होता है कि आप लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है और आप आपके अंदर जो संस्कार डाला जा रहा है ना वो संस्कार एक दिन आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा. मैं तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करूंगा. और कोई बच्चा अपना टैलेंट दिखाना चाहेंगे आज के लिए? इतने थे भौजी. अच्छा आज इतने ही थे. कोई चलिए ठीक है फिर आप ऐसा करते हैं समय भी हो गया गुरु सेशन का तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो फिर मैं गुरुदेव के चरणों में एक भजन समर्पित करूंगा. हाँ, फिर अपना नारा लगवा कर देते हैं. नारा लगवा देते हैं उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना. सारे बच्चे अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें. गुरुदेव जयकारा बोलेंगे ना तो क्या बोलना है तो सब आपको मालूम है ना. वो कुछ अपना बताए. जय गुरुदेव बाबू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. अपना माइक सारे लोग अनम्यूट कीजिए. बोलिए कल की अवतार की जय. जय कल की अवतार की जय. दादा गुरु की जय. जय गुरुदेव सियाग की जय. जय धर्म की जय. धर्म की जय. अधर्म का प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण. गुरुदेव हमारे विश्व के कल्याण के लिए ही आए हैं ना. धरती पे अवतरित हुए हैं तो हम इसीलिए कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो. जय गुरुदेव सारे बच्चों को बहुत बहुत. जय गुरुदेव. अगर आप लोगों की इजाजत